टॉक विद शरण पर अभी हम कुछ इफ्तार स्पेशल रेसिपीज दिखा रहे हैं और इसमें आज का रेसिपी है एक फ्रूट सैलड। अब फ्रूट सैलड जनरली हम सर्व करते हैं कस्टर्ड के साथ या आइसक्रीम के साथ। सो गर्मी के टाइम पे ये रमजान के महीने में जब आप ये खाते हैं तो काफ़ी रिफ्रेशिंग भी लगता है। बट आज हम इसमें कस्टर्ड या आइसक्रीम नहीं, एक हेल्दी इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, तो इसको सर्व कर रहे हैं कुछ हेल्दी चीज़ों के साथ। तो जल्दी से देखते हैं ये रेसिपी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना। काफ़ी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज आपके लिए मैं लेके आ रही हूँ इस रमज़ान के महीने में। ये फ्रूट सैलड बनाने के लिए आज हम यूज़ कर रहे हैं ग्रीक योगर्ट, और इसमें थोड़ा सा हनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए। अगर आपके पास ग्रीक योगर्ट नहीं है तो आप अच्छा गाढ़ा दही भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम फ्रूट तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने थोड़ा एप्पल लिया है, कटे हुए ऑरेंजेस, कीवी, ग्रेप्स, मैंने ग्रीन और ब्लैक ग्रेप्स दोनों यूज़ किया है ताकि थोड़ा कलरफुल भी रहे, थोड़े पोमोग्रेनेट्स, और इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस और हनी डाल के इसको सबको अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए। और जब तक हम सर्व करते हैं तब तक इसको फ्रिज में ठंडा करके रखिए, तो इसका फ्रूट्स का सब थोड़ा जूस भी निकलेगा जो फ्रूट सैलड में काफ़ी टेस्ट देता है। और सर्व करने के टाइम पर बोल में या ग्लास में पहले थोड़ा फ्रूट्स डाल दीजिए, उसके ऊपर से तैयार किया हुआ थोड़ा सा योगर्ट मिक्स, और फिर से एक और लेयर फ्रूट्स का और फिर योगर्ट का, और लास्ट में ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़े से बादाम, नट्स या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स या सीड्स हो। तो बन गया ना एक हेल्दी डेजर्ट, गर्मी के टाइम पे खाने के लिए बिल्कुल मस्त है ये, तो ज़रूर ट्राई करके देखिए।